दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हम बात करेंगे अंडरकट्स के बारे में, ठीक है। तो किसी भी मोल्डेड कंपोनेंट में, किसी मोल्डेड पार्ट में जो कि प्लास्टिक का कंपोनेंट है, उसमें अंडरकट क्या होता है? तो अंडरकट बेसिकली एक प्रोजेक्शन है जो कि टू प्लेट मोल्ड से बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो कि मैक्सिमम जो अंडरकट होता है वो पैरेलल वॉल के कोई कंपोनेंट के, अगर पैरेलल सपोज वर्टिकल वॉल है, ठीक है, तो वर्टिकल वॉल के एकदम 90 डिग्री पे वो अंडरकट आपको मिलेगा ताकि वो आसानी से निकल जाए, ठीक है। लेकिन टू प्लेट मोल्ड में और सिंपल मोल्ड में अंडरकट को निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमको लिफ्टर का या फिर इस स्प्लिट स्लाइडर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली अंडरकट को, अगर अंडरकट कंपोनेंट को अगर हमको बनाना है, तो उसके लिए हमें स्प्लिट मोल्ड का या फिर लिफ्टर एक मैकेनिज्म का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ कंपोनेंट दिख रहे हैं जिसके अंदर कुछ अंडरकट्स हैं। उस अंडरकट्स के कुछ टाइप्स हैं जो कि होता है इंटरनल अंडरकट्स, ठीक है, एक्सटर्नल अंडरकट्स और सर्कुलर अंडरकट, और उसके बाद एक होता है साइड वॉल, ठीक है। साइड वॉल को आप स्प्लिट मोल्ड से आसानी निकाल सकते हो, क्योंकि साइड वॉल का जो अंडरकट होता है उसमें एक सपोज एक सिंपल सा एक होल होता है, ठीक है। तो उस होल के लिए हमको एक पिन की का यूज करते हैं, तो पिन का यूज करके हम उस अंडरकट को निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरनल अंडरकट जो होता है वह सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। बेसिकली इंटरनल अंडरकट के लिए हमको लिफ्टर मैकेनिज्म का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जहां तक हमको पॉसिबल हो सके तो इंटरनल अंडरकट को किसी भी कंपोनेंट से, किसी भी प्लास्टिक के कंपोनेंट से अवॉइड करने की कोशिश करें कि उस पार्ट को या फिर उस कंपोनेंट को इस तरह से बनाएं कि उसमें इंटरनल अंडरकट प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक इंटरनल अंडरकट आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हो, इस अंडरकट को आप हटा सकते हो कि अंडरकट भी इसमें रहेगा, लेकिन आप एक कोर पिन का इस्तेमाल करके इस अंडरकट को आप कंपोनेंट में बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक अंडरकट है जिसको बोलते हैं सर्कुलर अंडरकट। सर्कुलर अंडरकट के लिए हमें स्प्लिट मोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें दो स्प्लिट साइड, ठीक है, आपस में मेट करते हैं उस अंडरकट को और प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो स्प्लिट मोल्ड पहले हॉरिजॉन्टली खुलता है, उसके बाद फिर वर्टिकली कोर और कैविटी ऊपर की तरफ जाते हैं। सपोज अगर मैं हैंड मोल्ड की बात करूं तो हॉरिजॉन्टली, और सॉरी हैंड मोल्ड की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकली, और अगर मैं मशीन में जो मोल्डेड पार्ट निकलते हैं जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में होता है, जो ऑटोमेटिक होती है, उसमें अगर बात करूं तो हॉरिजॉन्टली कोर और कैविटी मूव करते हैं, ठीक है। इंटरनल अंडरकट में एक और अंडरकट होता है जिसको आप बोल सकते हो थ्रेडेड अंडरकट। तो बेसिकली किसी भी कंपोनेंट में थ्रेड प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो थ्रेड कुछ इस तरह से होते हैं कि उसके लिए हमें कुछ एक कोर लगाना पड़ता है। कोर, आप कोर प्लेट में कोर इंसर्ट लगाते हो जो कि मूवेबल कोर होता है। तो उसमें रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का आप यूज कर सकते हो जो कि इजेक्टर ग्रिड की जगह पर यूज होता है। अब जो बॉटल के जो ढक्कन होते हैं, बॉटल के जो ढक्कन, उसको थ्रेडेड अंडरकट ही आप बोल सकते हो कि उसको किस तरह से आप निकालते हो उसमें, तो वो बेसिकली थ्रेडेड कंपोनेंट में आता है। तो ये एक थ्रेडेड इंटरनल अंडरकट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ अंडरकट्स को निकालने के किस तरह से तरीके मैं बता रहा हूँ, कि इस तरह से स्प्लिट मोल्ड से आप किसी अंडरकट को निकाल सकते हो। और ये है लिफ्टर मैकेनिज्म। लिफ्टर मैकेनिज्म से आप किसी भी कंपोनेंट को के अंडरकट को आप किस तरह से स्लाइड करके आप निकाल सकते हो, और वो आसानी से कंपोनेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है थ्रेड कंपोनेंट के लिए। तो थ्रेड कंपोनेंट, अगर किसी कंपोनेंट में अगर थ्रेड है, तो इस तरह से अनस्क्रूइंग मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। आप सपोज रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का यूज कर सकते हो, और रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म में आप रैक को हाइड्रोलिक सिस्टम से चला सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है। अंडरकट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है मोल्ड में। जब भी आप मोल्ड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो आपको कुछ पार्ट्स, जब भी आप कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स देखते हो, तो आप उस प्लास्टिक के पार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ अंडरकट्स या फिर कुछ होल्स नजर आएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसमें अंडरकट बनाए गए हैं, और आपको वहां पर कुछ पार्टिंग लाइन भी दिख जाएगी, तो आपको
अंदाजा हो जाएगा किस तरह से इस कंपोनेंट को बनाया गया है। ठीक है ओके दोस्तों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।